बहुत खुशी हुई कि बेस्ट ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है. बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनकी पूरी टीम यहाँ हमारे साथ प्रस्तुत है. विनोद भाई जो हमारे साथ CPAA के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं. वर्ल्ड ने टोबैको डे हम लोग मैं पिछले 12-13 साल से एसोसिएटेड रहा हूँ, ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन का, CPAA का. और हम लोगों के लिए सिर्फ एक डे नहीं, एक सपना है कि एक दिन वाकई में हम हिंदुस्तान और पूरे विश्व को टबैको से मुक्त करेंगे. जैसे अभी किसी ने कहा था कि अगर हेल्थ फिट तो लाइफ हिट, उसके बिना कोई पॉइंट नहीं है. और जितनी ज़्यादा बीमारियां टबैको से हो रही हैं लोगों को, वो इतनी जागरूकता नहीं है लोगों में. BST के ज़रिए हम सिर्फ जो 50,000 उनके कर्मचारी हैं उन तक बात नहीं पहुंचाएंगे, बट उनके ज़रिए जो मुंबई की लाइफलाइन है BST, जैसे साहब ने कहा था, जो 50 लाख लोग मुंबई की लाइफलाइन BST से ट्रैवल करते हैं, उस BST के ज़रिए हम 50 लाख लोग तक हमारा मैसेज ये स्क्रीन्स के थ्रू, ये मैसेजिंग के थ्रू हम पहुंचाएंगे कि कितना हानिकारक होता है तंबाकू. विवेक, सिंस यू आर बॉलीवुड एक्टर, यू नो बड़े पर्दे पर हम देखते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, नीचे वो लोग लोगो देते हैं, लेकिन दे शूट, आई मीन वो लोग स्मोकिंग दिखाते हैं, ड्रिंकिंग. हाँ, वैसे तो टेररिज्म इज ऑल्सो इंजूरियस टू हेल्थ, तो टेररिज्म पे पिक्चर बनाना नहीं चाहिए. यार वो अपना अपना पर्सनल है. मुझे मेरे करियर के शुरुआत से मुझे याद है जब भी शराब, सिगरेट, टबैको, पान मसाला के एड्स ऑफर हुए हैं, करोड़ों रुपए ऑफर हुए हैं, मैंने एक प्रिंसिपल पे, सिद्धांत के बेसिस पे मैंने मना किया. आई सेड आई विल नेवर डू इट. मुझे भी करियर में, अब ये दिस इज़ माय 13th ईयर माय करियर, एंड कसम ली थी फर्स्ट ईयर में, 13 साल हो गए अभी तक तो निभा ही रहा हूँ. हाँ, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम कोई केमिकल, कोई हानिकारक चीज़ जान के, विनोद भाई, अपने स्किन पे तो डालते नहीं. अगर मैं आपको बॉटल दे दूँ उसमें लिक्विड है, मैं बोलूँ कि इसमें गंदा केमिकल है, आप अपने स्किन में, बालों में, बॉडी पे डालेंगे नहीं. लेकिन सिगरेट जिसके अंदर 4,000 बिल्कुल ख़राब केमिकल्स हैं, आप उसको अपनी बॉडी के अंदर सेवन कर रहे हैं उसका, उसको आप अपने लंग्स में, फेफड़ों में ले रहे हैं, जिसमें से 250 तो मतलब जाने माने कैंसर पहुंचाने वाले केमिकल हैं जो 100% आपको कैंसर दें. अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हिंदुस्तान में जो 45% कैंसर है वो ओरल कैंसर है, बाकी के विश्व में 3%, 3% वर्सेज 45%, यानी कि कितने लोग यहाँ पे तंबाकू के सेवन की वजह से. अभी मैं एक, हमने जो फ्री चेकअप रखवाए हैं किसी के मुंह के अंदर, अभी पेशेंट के मुंह के अंदर देख रहे थे तो पूरा सड़ चुका है अंदर. अब नेक्स्ट स्टेप इज कैंसर. तो ये 2 रुपए का पाउच तंबाकू का नहीं है, ये बाद में कैंसर की ट्रीटमेंट कराने जब जाएंगे तब ये 2 रुपए का पाउच बहुत महंगा पड़ेगा.